हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी को एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं और माँ तुलसी के विवाह की। तो इससे आगे का ब्लॉग जो है वो मेरा गया था, मतलब कल मैंने उसे अपलोड किया था, यानी कि 17 तारीख को, और ये 18 तारीख को मैं एडिट कर रही हूँ इसको। तो अभी देखिए, चाय नाश्ते तक का गया था कि मैंने ज्योति को चाय बना के और मूँगफली का दाना भून के दिया था। फिर उसके बाद मैं आ गई थी बेडशीट मतलब लगाने के लिए, क्योंकि सुबह से वैसे ही पड़ा था, तो मैंने सोचा बेड सेट कर देती हूँ क्योंकि सभी ने खाना पीना खा लिया, क्योंकि मुझे पूजा की भी तैयारी करनी थी। तो अभी देखिए, मैंने बेडशीट भी मतलब लगा दिया है और मैचिंग का कंबल भी बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर मैं किचन में आ जाती हूँ। जैसे कि जो ऐपन मतलब जिससे आज हम रंगोली बनाएंगे ऐपन, वो चावल के आटे से बनता है, तो आटा नहीं था तो मैंने चावल को भिगो के फिर उसे पीस लिया और सिलबट्टे पे पीसा। मिक्सर में पीसा था पर वो अच्छी तरीके से नहीं पीसा था, फिर सिलबट्टे पे मैंने पीसा। फिर मैं छत पे आ जाती हूँ। हमारे यहाँ चावल के आटे, हल्दी थी पर साफ हल्दी नहीं थी, इसलिए मैंने इसमें हल्दी नहीं ऐड किया। आप अगर चाहो तो आप हल्दी ऐड कर दोगे तो बहुत खूबसूरत लगेगा। और मैं बना रही थी, पीछे छवि भी बना रही थी, अभी मैं छवि का दिखाऊंगी। तो जब ये सूख जाएगा फ्रेंड्स ना, तब ये उभर के आता है इसका जो डिज़ाइन होता है। और ऐपन बनने के बाद मैं आगे आ गई थी गेट के पास। अभी मैं माँ लक्ष्मी के चरण पादुका बना रही हूँ। छोटा सा मेरे पास ये चलनी टाइप का है, इससे मैं बना लेती हूँ। इस पे शंख, कमल और माँ लक्ष्मी के चरण बने हुए हैं। तो ये लाल कलर का मेरे पास था रंगोली का कलर, तो उसी से मैं बना लेती हूँ। और छत से नीचे भी मैं ले आई थी उनका मतलब जो पैर होता है, वो चावल के मतलब चावल जो पीसा था उससे बनाई थी। और ये रंगोली से मैं गेट से अंदर ला रही थी और मैं दिखा नहीं पाई, जो बाहर मेरे गेट पे लक्ष्मी गणेश जी की मतलब प्रतिमा बनी हुई है, तो मैंने उन्हें भी जैसे कि फूल का, गेंदे के फूल का माला मैंने उन्हें पहनाया था, तो छवि ने रिकॉर्ड नहीं किया। तो अभी देखिए फ्रेंड, दोनों तरफ बन गया है। ये जो लक्ष्मी माँ का पैर का है वो मैंने बना दिया। यहाँ दिया जला दिया है, दिया के नीचे मैंने फ्लावर रख दिया है। और अभी ना सारा मुझे तैयारी करते करते मुझे क्या 6:10 हो रहा था। तो अभी देखिए रंगोली वगैरह मैंने बना लिया है, ज़्यादा नहीं बनाई, थोड़ा सा ही बनाई, क्योंकि गेट का है ना बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। फिर ये मैं बस जो मैंने रंगोली से बनाया था मतलब चलनी जैसा जो होता है, तो बस यहीं तक बनाया था। और ये अभी जब ड्राई हो जाएगा फ्रेंड्स, तब बहुत ही उभर के आता है। ये देखिए मंदिर तक बनाया है, छत से लेके मंदिर तक। ये देखिए सीढ़ियों पर मैंने कुछ इस तरीके का बनाया है। और उधर देखिए, ये छवि दिखा रही है आपको और मैं उधर पूजा की तैयारी कर रही हूँ। सारा जो है वो पीतल की थाली में मैं लगा रही थी कि क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा पहले लगा लूँगी, फिर किचन में जाऊँगी। तो फ्रेंड्स, मैं हलवा और पूड़ी बनाऊँगी, क्योंकि हर साल हलवा पूड़ी हम बनाते हैं। और सब्जी मैं बाद में बना लूँगी, क्योंकि लेट हो गया था तो जल्दी जल्दी मुझे पूजा भी करना था। तो मैंने सोचा पहले हलवा पूड़ी बना के पूजा कर लूँगी, उसके बाद फिर सब्जी बनाऊँगी जब सारा पूजा हो जाएगा। और भजन भी रुपेश ने चालू कर दिया था। वैसे तो भजन मतलब शाम से ही बज रहा था, 3:30 बजे से ही भजन लगा दिया था। और सुबह में भी बजाती हूँ, तो सुबह में वही जब भी उठ जाऊँ 5:30 बजे या 6 बजे तो लगा देती हूँ। फिर वही 8 बजे तक सुबह भजन चला था, फिर शाम को मैंने लगा दिया था। और अभी देखिए पूड़ियाँ मैं तल लेती हूँ और छवि रिकॉर्डिंग कर रही थी। और अभी मैंने सारी तैयारी भी कर ली है, बस इंतज़ार है पूड़ी और हलवा बन जाए तो फिर छत पे जाऊंगी सब कुछ लेकर के पूजा कर दूंगी। क्योंकि अभी मुहूर्त मतलब ज्योतिषी विवाह का मुहूर्त है वो अभी हुआ नहीं है, तो मुहूर्त के हिसाब से ही करूंगी। तो फ्रेंड्स, मैंने सारी पूड़ियों को तल लिया है और उसी कढ़ाई में ही मैंने जो तेल था बचा हुआ, रिफाइंड तेल था, वो थोड़ा सा घी मैंने डाल दिया और आटा डाल के अब इसे मैं भून लेती हूँ लो फ्लेम पे। और आटा भून गया है, मैंने अब चीनी ऐड कर दिया है। जिस हिसाब से आटा हो उसी हिसाब से आप चीनी लीजिएगा। और फिर मैंने इसमें 1 गिलास पानी डाल दिया है, थोड़ा सा मैंने बाद में और डाला था जो इसमें ऐड नहीं है क्लिप में, फिर उसे जल्दी जल्दी चला के मैं सुखा देती हूँ। ये देखिए लस्सी जो है वो तैयार हो गई है और बहुत टेस्टी, बिल्कुल कहीं भी गांठ नहीं। आप देख सकते हो फ्रेंड्स कितना सॉफ्ट स्मूदी बना हुआ है और बहुत टेस्टी बना था ये, तो आप देख सकते हो बिल्कुल कहीं भी इसमें गुठली जो होती है ना वो नहीं पड़ी है। तो इस तरीके से आप
जो है लपसी बना सकते हो आटे का हलवा। फिर मैंने सारा जो मतलब उनका भोग था और पूजा की थाली थी ना, वो सारा सब कुछ छत पे लेके आ गई थी। अब मैं उनको साड़ी पहना रही हूँ तुलसी माँ को। तो फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा आपको धुंधला दिखेगा क्योंकि ना यहाँ लाइट की कमी है। जब लाइट की कमी होती है ना तो कैमरा जो है थोड़ा सा धुंधला दिखाता है, और फ्लैश लाइट ऑन होने के बाद तो और मतलब ये धुंधला दिखा रहा था। आप देख सकते हो छवि अपना पटाखा आपको दिखा रही थी, और ये कोहरा है, देख लीजिए कोहरा काफ़ी पड़ रहा था। और बच्चे भी बहुत इंजॉय कर रहे थे, पटाखा फोड़ रहे थे। रुपेश इंतज़ार कर रहा था कि कब पूजा हो जाए, कब मैं पटाखे फोड़ूँ। तो ज़्यादा नहीं, दिवाली का ही थोड़ा सा बचा था, तो मैंने बोला कि ठीक है चलो फोड़ लेना, पहले पूजा तो हो जाए। और ये देखिए बार बार मैं तुलसी जी को जो पल्लू उड़ा रही थी ना, वो लटक जा रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, कैसे उन्हें मतलब मैं अच्छी तरीके से खड़ा करूँ, बट हो गई थी। बाद में मैंने किया था, थोड़ी सी वो झुकी हुई थी। और यहाँ मैंने जो ऐपन बनाया है वहाँ पे माँ का मतलब चरण पादुका बनाया हुआ है, उसी पे मैंने जो गंजी और कन्ना वगैरह होता है वो सब मैंने चढ़ा दिया है। कन्ना सिंघाड़ा अपलेट से उसे ढक दिया है, और अभी मैं इस पे कैंडल जला रही हूँ। यहाँ जला लूँगी, फिर जो है ना बाकी जो पीछे की बाउंड्री है वहाँ पर जलाऊँगी, क्योंकि आगे जो है वो लाइट लगा हुआ है। अभी दिवाली का लाइट हमने नहीं उतारा है, क्योंकि हम जब देव दिवाली यानी कि पूर्णिमा बीत जाती है ना, तब उसके बाद हम उतारते हैं लाइट। तो यहाँ मैं कैंडल जला लेती हूँ, ये देखिए। और कपड़े सूखे नहीं थे इसलिए मैंने कपड़े को वैसे ही छोड़ दिया था। तो ये देखिए तुलसी माँ सज गई हैं। बस ये मैंने रोशनी के लिए वहाँ कैंडल रख दिया था कि थोड़ी रोशनी रहेगी। अब फिर मैं उनको सिंदूर लगाती हूँ, जैसे कि उनकी पत्तियाँ होती हैं ना, उन पत्तियों पर जहाँ तक मतलब मुझे अच्छा लगा, मतलब जहाँ तक समझ में आया वहाँ तक मैंने लगा दिया। मतलब काफ़ी जगह मैंने लगाया सिंदूर पत्तियों पे। फिर वो सिंदूर मैंने अपनी मांग में लगा लिया, और फिर उनको बिंदी लगाया। बिंदी लगाने के बाद जैसे लग रहा था कि सच में माँ तुलसी बैठी हुई हैं, और बिल्कुल उनके माथे पे ही बिंदी लगी हुई है। और ये मैं मतलब 10 जगह नेल पेंट लगा रही हूँ, कि मतलब जैसे कि हम लोग के भी 10 नाखून होते हैं उसी हिसाब से। फिर मैंने इनके पैरों में जो है वो अलता लगा दिया, और छुप गया है ना साड़ी से, इसलिए मैंने अच्छी तरीके से नहीं दिखा पाया आप लोग को। फिर ये देखिए अलता लग गया, मैं साड़ी फैला देती हूँ। और रुपेश तो बोल रहा था कि जैसे लग रहा है मम्मी की सचमुच की मतलब कोई लोग यहाँ पे खड़ा है। मैंने बोला हाँ तुलसी माँ है। उसे तो लग रहा था कि छवि ने साड़ी पहन के, छवि जो है वो साड़ी पहन के खड़ी हो गई थी। फिर मैं यहाँ पर पूजा जो होता है वो सब शुरू कर देती हूँ, और चूड़ी भी पहना देती हूँ उनको। चूड़ी का क्लिप मैंने बाद में ऐड किया है, पहले ही पहनाई थी बट बाद में ऐड किया है। और माला ये देखिए मैं बार बार खड़ा कर रही हूँ, और अभी धूप दीप सब जला दिया है। फिर इन्हें भोग में लगा देती हूँ इनको। फिर उसके बाद से हमने वही आरती किया। और बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे। और ये देखिए छवि फुलझड़ी जला रही है, फुलझड़ी बोलते हैं हमारे यहाँ, आप क्या क्या बोलते मुझे नहीं पता। फिर बारी बारी से हमने जो है आरती की। और ये मैं कान्हा जी के गीत गा रही थी, 5 गीत मैंने गाया जो मुझे आया। मुझे वैसे ये सब गीत वगैरह ज़्यादा नहीं आता है, तो जो मुझे समझ में आया मैंने गा दिया माँ तुलसी जी के सामने। फिर बच्चों को जो इंतज़ार था कि जल्दी से पूजा हो फिर हम पटाखे जलाएं, तो बच्चे वही देखिए पटाखे जला रहे हैं। रुपेश बिजली भी जला रहा है फिर वो। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा ना कि मैंने किस तरीके से मतलब सारा वहाँ का कैंडल बुझ गया, जला दो रुपेश सारा क्या, ठीक है। तो अभी तो फ्रेंड्स अभी ना मैंने तुलसी जी का विवाह करा दिया है, और आइए आप लोग को भी प्रसाद दे देती हूँ। तो देखिए तुलसी मैया ना आपको दिखाती हूँ एक चीज, अरे बाप रे गर्दन फिर। तो ये देखिए फिर भगवान लोग बोले फ्रेंड्स, और ये देखिए तुलसी मैया ना बिल्कुल शर्मा रही है, जैसे बहुत ज्यादा शर्मा रही है ये देखिए। और मैं इनका शॉर्ट फ्रेंड्स, मैंने इनका शॉर्ट वीडियो बना लिया है, और मैं उसे शॉर्ट में डाल दूंगी, आप उसे प्लीज देखिएगा। और आइए आप लोग प्रसाद खा लीजिए। पहले मैं आप लोग को तुलसी माता के शादी का ये प्रसाद खिला रही हूँ, हलवा पूरी। तो आप लोग आइए पहले खा लीजिए फ्रेंड्स लोग, फिर मैं। तो रुपेश देखिए यहाँ पे जो मिर्ची होती है ना वो जला रहा है। रुपेश तो दिख ही नहीं रहा है, लाइट कम है ना इसलिए।
फिर आप लोग को प्रसाद खिलाने के बाद ना बच्चों को मैंने प्रसाद दे दिया और खुद भी मैंने खा लिया, ज्योति ने भी खा लिया। और फिर ये मिर्ची बम शायद बोला जाता है इसे, ये रुपेश बोल रहा था। और देखिए तुलसी माँ कैसे झुक गई हैं, क्योंकि माला वगैरह पहनाने से ना भारी हो गया था, चूड़ी वगैरह पहनाने से वजन, तो वो झुक गई। और मैं बहुत कोशिश कर रही थी पर वो नहीं खड़ी हो रही थी। फिर हम नीचे आ गए और ये मैं दिखा रही हूँ कि मैंने कुछ इस तरह से माँ का चरण बनाया है जो सीढ़ियों से होता हुआ सीधे मेरे मंदिर में जाता है। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा, जरा सा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मैं जो भी न्यू वीडियो बनाऊँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से वीडियो में। गुड नाइट फ्रेंड्स।